राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडितान छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन और शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला अष्टमी हिंदुओं का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें शीतला माता के व्रत और पूजन किए जाते हैं। होली से लगभग एक सप्ताह बाद आने वाला ये त्यौहार पूर्णतः वैज्ञानिक है। ये मौसम में बदलाव और गर्मी की शुरुआत का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में जहाँ एक ओर सिर्फ ताज़ा भोजन फ्रेश खाने का ही भगवान को भोग लगाया जाता है, वहीं दूसरी ओर शीतला माता को बासी खाने का भोजन लगाकर पहले से बनाए गए भोजन को भगवान के लिए मान्य कर दिया गया है। यानी अगर आपकी परिस्थिति कभी ठीक ना हो, कभी आपको ट्रैवल करना हो, आपके पास छोटा बच्चा हो और आप भगवान को ताज़े खाने का भोग न लगा पाएँ, तो आप भगवान के लिए पहले ही खाना बनाकर रख सकते हैं और उसे भगवान को प्रसाद की तरह, भोग की तरह अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा श्रद्धा से बनाए गए ठंडे खाने को भी भगवान ज़रूर प्रेम पूर्वक स्वीकारेंगे। शीतला देवी कहें या शीतला माता, प्राचीन काल से ही इनका बहुत अधिक महत्व रहा है। शीतला, शीतल का मतलब है ठंडक। हमारे शास्त्रों में किसी भी तरह की ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीजेस और पित्त, चेचक या स्किन रिलेटेड बीमारी के लिए ख़ास तौर पर हर्पीस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, खसरा, इन सब के लिए शीतला माता के मंदिर में दर्शन करना, चंदन मिले हुए जल से और दही से उनका अभिषेक करना, उन्हें ठंडे भोजन जैसे ठंडे पूरी पुए आदि का भोग लगाना शुभ माना गया है। जिन घरों में बार बार इस तरह के रोग पनपते रहते हैं, बार बार इन्फेक्शियस डिजीज़ आती हैं, स्किन की डिजीज़ आती हैं, उन्हें अपने घर की पश्चिमी दिशा में नीम के पेड़ लगाने चाहिए। शीतला माँ के रूप का दर्शन करेंगे तो आप समझेंगे कि माँ के एक हाथ में झाड़ू है। झाड़ू प्रतीक है सफाई का, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इन्फेक्शियस डिजीज़ के शिकार ना हों, तो साफ सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। माँ के दूसरे हाथ में पानी का कलश है, स्वच्छ जल का कलश जो ढका हुआ है, यानी आप अपने यहाँ पानी का घड़ा खुला हुआ न रखें, उसे साफ सुथरा रखें। डॉक्टर्स का भी यही मानना है कि साफ सुथरा पानी इम्यूनिटी बूस्टर होता है। ज़्यादातर बीमारियाँ तो सिर्फ साफ पानी पीने से ही ठीक हो जाती हैं। तो आप भी माँ शीतला का ध्यान करें, उनकी पूजा करें और उनसे अपने घर परिवार के लिए स्वास्थ्य और सौभाग्य की याचना करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़े रहें। कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंडिताइन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद की जय।